हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुनैन गौरी एंड वेलकम टू हुनैन गौरी ब्लॉग। सो गाइस, आज सेकंड ब्लॉग है मेरा। फर्स्ट ब्लॉग आप लोगों ने शायद देखा ही हो, नहीं देखा तो जाके देख लें। और ये सेकंड ब्लॉग है मेरा और आज मुहर्रम 10 मुहर्रम का दिन है माशाल्लाह से। तो आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है। आज पहले हम बिरयानी लेंगे, उसका लंगर बांटेंगे एंड देन फिर शरबत है, उसका लंगर है और बहुत सारी चीज़ें। अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के पास, उसको उठाते हैं, मार्केट जाते हैं, कुछ सामान लेना है मार्केट से, वो सामान लेते हैं एंड देन फिर हम बिरयानी वाले के पास जाएंगे, उससे बिरयानी लेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे घर पे ही, अपने घर पे शरबत बनाएंगे, फिर वो भी बांटेंगे। सारी चीज़ें आज आपको अपडेट मिलेगी इंशाल्लाह। और चले, तो मैंने इसको उठा लिया है, ये है मदीन शेख। और हेलो मदीन, अब हम जा रहे हैं मार्केट चौपड़ लेने, फिर कुछ और सामान है वो भी लेते हैं एंड देन आगे और जो वीडियो वो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मार्केट की तरफ। हम आ गए हमारी 10 नंबर की मार्केट में, आज बंद है 10 मुहर्रम की वजह से, ये तो काफ़ी रौनक होती है माशाल्लाह से। वाली रौनक नहीं, जो आप समझ रहे हैं, मतलब कि रश होता है और काम अच्छा चलता है। यार चलते के चिल करने का कीड़ा। अच्छा, चौपड़ लेनी है, कहीं से भी रोक लियो, सीधा जाने की है। आज ही ले ले शापर, कौन आज हम शापर आ रहे, शापर दिख गया भाई, हमें शापर दिख गया। अलग ही यहाँ का माहौल है माशाल्लाह से। ये गाड़ी है यहाँ की नहीं है, इस ज़माने की नहीं है ये। कचरा दुनिया में बिल्कुल बॉक्स रखे हैं बड़े बड़े, बहुत सारा बाहर बड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए हैं लेकिन वो है, दिखते नहीं है वो, बस ये मसला है। देखिए जैसा कि कचरा कुंडी आ रही है, अलग ही लेवल की कचरा कुंडी भी है, वो भी दिखाते हैं। लेवल चेक करो, लेवल ये है कचरा। तो रंगी की बात की जाए तो बहुत खूबसूरत जगह है, गाड़ी गाड़ी गवर्नमेंट स्कूल है। क्या ना दिखाएं आपको, चले अभी हम जा रहे हैं दूध लेने, दूध लेके फिर हम जाएंगे देख वाले के पास। और ये भी देख, उसके बाद तो आप देख लेके आगे चलेंगे। अब हम देख ले, दूध लेंगे फिर उसके बाद ये घर पे देखे फिर हम देख लेने चलेंगे, फिर वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए वैसे और आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये हमारे यहाँ ताज़िया बना जाता है, ये देखिए हमने दूध भी ले लिया है, एक स्टिंग भी ले ली है, सॉरी। तो बस अब हम जा रहे हैं देख वाले के पास, बल्कि पहले घर पे चलते हैं एंड दिन देख वाले के पास चलते हैं, फिर देख उठा कर फिर देख की थैलियाँ बनाएंगे। जाना है, 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 जाना
ये है हमारा कज़न हसन अमरी वाइडी, ये नियाज लगाएंगे है ना इंशाल्लाह मौलाना साहब। अच्छा चलें सामान बनाए फिर, बिस्मिल्लाह। और क्या डालेगा, चलो दूध डाल देते। ये हमने बंदा बुलाया ऑर्डर को, भाई सारे डाल दिया यार, बचाना नहीं है, एक एक करके एक एक करके यार, नहीं करना मुझे गिरी। अच्छा ये चमचा पकड़ा, चीनी बोल दी, ये पतीला छोटा लग रहा है, चल चल बना बना तुझे, पानी डाल दो, पानी नहीं अभी इसी के अंदर चीनी को, और मत चल चल ऐसा नशे में लगता है, नशे में सस्ती में चला रहा है पीछे सलमानी निकल निकल पहली फुर्सत में निकल चांदी से बनवाते ना, सामान तो सारा हमारा ही होता है ना, मैंने इसको ऑर्डर दिया तुम लग गया है, पानी नहीं मिलाना यार, पागल हो गया सारा, टोटल दूध में बनाना है, दूध पत्ती पहला जब बादाम दूध पहला वो ही नहीं। अच्छा इसके बाद हाँ बिरयानी की भी वो है ठेरिया बनानी है, और आसानी है दो नंबर काम हो जाएगा, ये घर के लिए लेके जा रहा है क्या? हाँ बस के रखो दोबारा, तो मीठा दूध भर रहा है, चेंज कराऊंगा लोकल दी सही नहीं दिया दुकानदार ने, सही नहीं भाई हो गया प्योर दूध हो गया, ये और प्लस वाले भी इतना अच्छा दूध नहीं बनाते, चीनी वाला बस। अब कल्टी कर इसको जरा थोड़ा सा क्या कर रहे हो चमचा लेके, तुम भाई बनने दो यार पहले, फिर आना चमचे वमचे लेना, ये तू एक ठेला लगा ले, तेरी आवाज अच्छी है तेरे को रख लूंगा आवाज तो पता क्या लगानी है, शरबत की लगानी है, आओ भाई गलियों में लेके फिरेंगे, अब ये घंटे वाला अब तेरे को नहीं, और क्या करूंगा इसमें थोड़ा थोड़ा रह गया था इसलिए पानी डाला है। अरे ये कार बताओ थोड़ा शरबत का, शरबत का क्या क्या चीजें जरूरत है शरबत में, शरबत में आधा किलो बादाम, सबसे पहले बेसन कितने तकरीबन होना चाहिए, राशन की तुम्हें चीनी का नहीं पता,
चीनी है 95 रुपए। खरीदी नहीं है, कारीगर बंदा है। 95 रुपए चीनी, 160 रुपए। चीनी कितने किलो चाहिए? चीनी चाहिए तकरीबन, अगर जैसे हाँ जितना आप कर लो भाई, बताओ कितनी चीनी चाहिए भाई? जितना आप बनाओगे उतनी क्वांटिटी में। हमें 10 किलो बनाना है, 10 किलो चीनी का। 10 किलो चीनी का नहीं, 10 किलो दूध है ना, तो 2 किलो चीनी ले आओ। 10 किलो दूध पे 2 किलो चीनी, ये 3 किलो दूध था उसमें हमने 2 किलो चीनी डाली। तुम दूध भी तो कौन सा लाया भाई? और पर दे अच्छा वाला वाला लेके आओ। तुम भैंस का, भैंस का अलग से ना पकड़ लो भाई, पाल ले रहे आप लोग। आएगा भैंस से दे दूध चार किलो तो 60 रुपये चल रहा है। तो ये 200 रुपए का है और ये 290 रुपए का है। मैं लेकर आया। बताओ मदीन, पूरा प्रोसेस बताओ, पूरा प्रोसेस टोटल खर्चे के साथ भाई। नहीं नहीं बताओ भाई, आपको सबसे पहले होना चाहिए 10 किलो दूध, 160 रुपए किलो। जो कितना हो गया कैलकुलेट करो। ये बंदा आप काम में आइए। 1600 रुपये आप ले लो। कोई 3 किलो चीनी कर लो। 3 किलो चीनी ले ली। चीनी अगर 100 रुपये किलो है तो 300 रुपये। 16 और 3 1900 रुपये। 1 पाव बादाम। 1 पाव बादाम। बादाम क्या पाव? 350-400 रुपये। 350 400 400 लगा लो, 400 लगा लो, 50 का कर लो। 400 कितने हो गए? 2300 रुपये। 400 लगा ले। चलो तो पिछले रहने दो। 500 रुपये लगा लो। 500 रुपये लगा लो। 500 रुपये के पिछले लगा लो। कितने हो गए? 250 रुपये। और अब आपने डालना खोपरा 100 रुपये का। खोपरा नहीं डालना, खोपरा गले में चुपका नहीं चुपका। अच्छा चलो 100 रुपये का खोपरा, 2900 रुपये हो गए। 2900 रुपये। और नोरस की बोतल घुमाओ जरा इसको। नोरस नहीं, 270 रुपये की होगी। 280 पूरी तो नहीं डलेगी, पूरी डलेगी। जितना मीठा करोगे 10 किलो में पूरी डल जाएगी। सही है। कितने हो गए? 280 और 2900। 300 लगा लो ना। 300 लगा दो। 3200 हो गए। कितने हो गए? 3200 हो गए। और मजदूरी बनाने वाली वो फ्री है यानी 3200-3500। जेली काम का 200 रुपये की जेली। 200 रुपये की जेली हो गए। कितने हो गए? 3400-3500 रुपये हो गए। 200 की नहीं, 400 की। हल्के में आप चार जेली के कलर नहीं। 300 रुपये 200 रुपये की एक 50 का पैकेट है। अच्छा तो 400 सही है। 200 रुपये 300 की जेली लगा दी। 3500 हो गए। फिर क्या हिसाब बना? 3500 में कितने पतीले बन जाएंगे? 10। एक ही पतीला बनेगा 10 किलो जूस का। हमें 10 किलो सिर्फ दूध डालने, पानी नहीं डालना। पानी कितना डालेगा? 10 किलो पानी डालेगा। बर्फ 200 रुपये की बर्फ। डिस्पोजिबल स्पेलिंग आती है? डिस्पोजिबल की स्पेलिंग बता। D-I-S-P-O-S-I-B-L-E। हाँ सही है, तू सही है। ले ली। और यानी 4000 रुपये में अच्छा बेहतरीन शरबत बन जाएगा। फिर अगर हम उसको बेचें क्या हिसाब पड़ेगा? बेचने वाला नहीं पता। अच्छा ये लंगर वाला बेचने वाला, बेचने वाला तो 2000 रुपये बन जाएगा। नहीं नहीं तो पानी भी तो मिलाएंगे उसमें। तो पानी आप इसमें मिला रहे? नहीं इसमें नहीं मिला रहे ना हम पानी, ये प्योर बना रहे खालिश। वो देखा नहीं वो ये इससे खालिश नहीं बन सकता, ये बहुत खालिश है। अच्छा चीनी घुल गई, वो अब डालो। पाकिस्तान में ज़्यादा खालिश चीज लाज नहीं है। लाज नहीं है, बंदों की तबीयत खराब हो जाती है। अरे माशाल्लाह ये है ना, ये आया काम को बंदा है। ये तो ऐसा डाल रहे हैं अपने भाई हिसाब से डालना। और डालो और डालो आप, नहीं बस ज़्यादा लाल नहीं करें। मोहर्रम में लाल कलर बहुत ही ज़्यादा चलता है। काफी है, और जरूरत पड़ेगी तो वो डाल देंगे। अच्छा क्या देखिए, जेली बादाम पिस्ते जेली उठा के लाओ। ये बेस्टी नहीं है, सिर्फ जेली है। ये किस चीज़ से काट दो? इसी में लेने गए थे ना दिमाग भी।
नीचे देख के ताला लगा दी। अच्छा अब इसको देखने में करना है दिया लगा दूं तेरे को नहीं कारोबार करते हैं पैसा बोलते मेरे पास। हाँ काम अच्छा कर रहा है लग लूं तेरे को अपने यार। ये मल्लू मार रहे हैं देख लंगर में से किसलिए बना रहा भाई बांटने के लिए। अच्छा फिर से आवाज नहीं आ रही देखो आवाज तो करो ऐसे सही बंदे नहीं हो तुम। मैं भी सही काम आया नहीं कब तक के हो जाएंगे दे लिया बस खत्म होने को है। बाद में कब जाना है? और भैया शान भाई क्या कर रहे हो? शान भाई मस्त हूं भाई मोबाइल तो वाह काम कर लो यहां ड्रामिया कर रहा बेटे थके पड़े आज नीन भाई सुबह से मेहनत सुबह लो ये ध्यान उन्हें के छोटे भाई काम करो ध्यान जल्दी जल्दी कर रहे ये उन्हें के कजन आसान के छोटे भाई आसान मियां तो भाई लिफ्ट ही नहीं करा रहे बोलने मेरे पास एफर्ट से तो बात ही नहीं करूंगा बात ही नहीं करूंगा मुझे वाईफाई का पासवर्ड भी पता है मैं तो बात ही नहीं करूंगा।